पूरा पूरा फुल मेकअप हो गया देखो, और ये इंसान को इधर देखो। मम्मी चली गई ना तो घर में सब कुछ खत्म हो गया था, प्याज भी खत्म, आलू भी खत्म, टमाटर भी खत्म हो रहा था, तो फूल वाला टमाटर बना के दिया। मस्ती हवा लग रही है दीदी, देख बाल देख, कोई पानी तो कैसा आ रहा है। गिफ्ट हमें हमको देते हैं ढोलक, ये ढोलक कैसे बजाते हैं? घोंसला बनाया था देखो, बच्चा हिला होगा सीधा आके नीचे गिर गया। देखो वो साथी भी नहीं मिल रहा ना मेरे को इतनी दूर जाने का। जीवन साथी मिल गया तुमको तो घूमने के लिए साथी ढूंढ रहे। चलो भैया सैंडविच खाने आए थे, खा रहे पानी पूरी। दिख रहा हूँ अच्छे से? Hey guys, good morning, welcome back to Only Dog। तो फिलहाल अब भी सुबह से इनको पिला रहा हूँ जूस, और ये मौसम्बी भी है, देखो ये मौसम्बी, इसका जूस पिला रहा हूँ। हाँ विदित पी रहा है, और साथ में ना कल इन्होंने पिया था तो इनको सर्दी हो गई, परसों पूजा ने पिलाया था तो आज अपन पिलाएंगे जरूर। ये देखो भैया विदित पी रहा है, कैसा लगा विदित? मैं अच्छा लग रहा। खपी हो फिर, इसका मुँह खुला हुआ है, इसको ऑरेंज खाना है पर ऑरेंज खिला नहीं सकते उसको हम अभी, मौसम्बी के जूस पिलाना है। और बहुत बार मैंने बोला है कि इसकी लिंक कर दूंगा, रुक तो सही, बहुत बार बोला इसकी लिंक दूंगा पर कभी दी नहीं, तो आप ही जूसर मेकर जाके सर्च करके अमेजोन से खरीद लेना भैया। दे रहा हूँ ना बेटा, तो ठंडा तो पड़ है, चाहिए चाहिए चाहिए, ले जा ठीक। सीधे बॉल दिख रही है क्या आपको? चलो भाई इधर जूस निकलो, ले पी दी थी, निकालते जाता और पीते जाने तो कड़वा हो जाएगा पूरा। पी लिया उसने शेर ने, इसने भी पी, कौला होती नहीं कड़वा, ठीक है। तो फिलहाल टाइम देखो क्या ही टाइम, देख लो टाइम ही यहाँ पे बंद गया, यहाँ पे देख लो भी अभी बना रहे हैं यहाँ पे आलू की सब्जी, अभी तो आलू की सब्जी बनाएगी। आज सब कुछ खत्म हो गया था घर के अंदर, मम्मी चली गई ना तो घर में सब कुछ खत्म हो गया था। गुरुवार का बाजार करना था, गुरुवार का बाजार नहीं करा, तो प्याज भी खत्म, आलू भी खत्म, टमाटर भी खत्म, तो मैं सुबह से सामान लेके आया हूँ। पोहे कचौड़ी तो लेके आया था, आलू लेके आया था, प्याज लेके आया था, टमाटर लेके आया था, और क्या लाया था, पत्ता गोभी और कद्दू लेके आया था, पत्ता गोभी कद्दू और अदरक लेके आया था। जरा सा सामान 200 रुपये का आया था भैया फिलहाल तो। हाँ तो वहाँ पे वो सस्ता मिलता है, और यहाँ पे ले जाओ तो बहुत महंगा मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पे ये बघार लगा रही है अभी तक, टमाटर प्याज व्याज वगैरह इनका, फिर आलू की सब्जी बनेगी, भूख लग रही, फिर खाना खाएंगे। उससे पहले भैया नहा लेता फटाफट से, नहीं ना मेरा नन्ना मुन्ना गिराना नहीं, पकड़ो लो अच्छे से खाओ। ठीक है तो फिलहाल विदित को ना देखो मैंने यहाँ रो रहा था तो फूल वाला टमाटर बना के दिया है ना विदित, पापा ने बना के दिया ना विदित के। हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ। और राधिक सर यहाँ पे खा रहे समोसे, ये देखो ऐसे पपड़े पपड़े खा जाएगा बाकी मसाला छोड़ देगा। दादा यहाँ बैठ के माला जप रहे और लाइट बंद चालू बंद चालू, भूत आ रहा है, लाइट ऐसी बंद चालू हो रही, भूत आ रहा है। स्त्री टू आ रही है भैया, स्त्री टू स्त्री थ्री आ रही है, स्त्री थ्री आ रही है, देखो कैसी बन चालू हो रहा है। मेकअप से सोचो मैं हेयर कट करवाने जो पर टाइम नहीं मिलता भैया मेरे को, वो जिम जाने का सोचता हूँ उसका भी टाइम नहीं मिलता, अब निकालेंगे भैया टाइम निकालेंगे, धीरे से टाइम सारा एडजस्ट करेंगे। ठीक है तो चलो फिलहाल खाना खा लेते हैं, रोटी और सब्जी मस्त, चलो दही भी आ गया। दही ये देख के तेरा मुँह में ज्वालामुखी फूट जाता, बोलते नहीं आ रहा था मेरे को अभी। दही इज वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है भैया मेरी, सलाद भी यदि आप काट रहे हो ना तो सलाद में दही डाल दिया करो, फिर खा करो, सलाद का टेस्ट डबल हो, डबल से ट्रिपल हो जाएगा देखना। ठीक है तो फिलहाल अभी अदिति ना एक इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रही है, और पता है अभी जब से ना इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगे हैं लड़कियां, जब से रील्स बनाने लगी है और जब से इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स आए हैं, मेकअप वालों का नुकसान भारी नुकसान हुआ है भैया, बताओ कैसे। अभी इधर शक्ल देखो और इधर फिल्टर अदिति ने लगाया है, पहले ऐसा था, ये फिल्टर लगा हुआ है देखो, पूरा फुल मेकअप करके बैठी है देखो, पूरा पूरा फुल मेकअप हो गया देखो, और ये इंसान को इधर देखो कितना ज़्यादा फर्क है। इसमें ना बहुत नुकसान होता है भैया, पर नुकसान के साथ उनका फ़ायदा भी है। जो लड़कियाँ ऐसा फिल्टर लगा लगा के बना लेती वीडियो, यदि घर से बाहर जाती ना पहले ऐसे निकल जाती थी, अब उनको स्पेशल महंगे वाले मेकअप किट लगाने पड़ते हैं, है ना दीदी? फ़ायदा भी हुआ उनका और भारी नुकसान। हाँ नुकसान भी, अब क्या हुआ फ़ायदा की नुकसान ये हमको नहीं पता। ये कौन में लड़कियां आप बताओ, आप मार्केट पहले फिल्टर लगाते हो या फिर मेकअप करके वीडियो बनाते हो, दोनों में से बताओ,
मेरे साथ तो लड़कियाँ अधिकतर है ना फिल्टर नहीं लगाती है, पसीना भी ऐसा भयंकर आता होगा, काली काली भी दिख रही होगी, फिल्टर लगा एकदम गोरी गोरी सी चिकटी सी हो जाएगी। ऐसा मैं सोचो लड़कियों के ऊपर ही नहीं, आजकल लड़के भी बहुत सारा मेकअप करते हैं। हाँ तो मैं थोड़ी नहीं करता ना, मैं फेयर एंड लगाता हूँ। ये देखो भैया यहाँ पे देखो, ये टीवी देख रहा है, ऐसा उल्टा उल्टा लेट गया है और फिर यहाँ पे टीवी चल रही है इसकी। सीधा बेटा, ऐसे में पूरा खून सिर पे आता है, सीधे लेटा रहा और दिन भर टीवी, बस दूसरा कोई काम धंधे कुछ नहीं है, और एक को तो अपने काम धंधे कुछ नहीं है, उसका काम बस सोना है, पहल पहल के सोना है। अच्छा भाई सोया शांति से। क्या हो गया दादा? किसको? हबीब को। क्या होमवर्क करना है? हबीब को। हाँ चलो होमवर्क करो, दादा बोल रहे हैं। तो छुट्टी है तो होमवर्क नहीं थी? नहीं होमवर्क ही गई। तो फिलहाल तो फिलहाल 5:30 हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 6:30 या 7 बजने में। मौसम तो देखो बदल सा ही गया है, इधर मैं वीडियो बनाने के लिए चालू करा और इधर लाइट भी चली गई। बाहर का मौसम एक बार देखो, मोबाइल में थोड़ा बहुत रोशनी दिख रही है पर हवा चल रही है और बारिश आ रही है। मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं हमेशा वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठाता हूँ, लाइट चल जाता है। अभी अंदर उठा रहा था, लाइट चली गई, फिर उसे चलो बाहर आते हैं, यहाँ पे जैसे कैमरा उठाने लगा लाइट चली गई। मौसम ख़राब हो सा हो रहा है ना, पे बारिश आ रही है, और मैंने सोचा था अब चलो वीडियो वीडियो तो बन गया, थोड़ा एक काम था वो भी हो गया, अब थोड़ा बच्चों को बाहर घुमा के ले आएंगे। कहीं का पानी आ गया, चलो भैया ऊपर चलते, ऊपर जरा मज़ा सा आएगा। इधर तो टीन शेड है ना, तो बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, टीन शेड पर टकराती है, और लाइट है ही नहीं तो कुछ दिख भी नहीं रहा। मैं कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे के फ्लैश से तो मेरे को कुछ नीचे दिख भी नहीं रहा है। बाहर का मौसम देखो, हवा कितनी तेज़ चल रही है, बारिश के साथ हवा पूरी बारिश को उड़ा के ले जाएगी। हवा रुक जाएगी ना तो पूरी बारिश अच्छे से आ जाएगी, जी हवा चलती रहे तो पानी गायब हो जाएगा। बहुत तेज आ रहा है बेटी, तू पीछे रहे, बाहर किसी को भी नहीं जाना है। मस्त पानी आ रहा है यार, ठंडा ठंडा सा लग रहा है। अच्छा है भैया रात में ऐसे नहीं चलाना पड़ेगी, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। में गर्मी ना इसको ज़्यादा लगती है। देख विदित, विदित मेरी बात सुनो, बातचीत मेरी बात सुनो, और हवाई देखो यहाँ पे ना बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ना, वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो रात में एसी चलाने को बहुत बोलना, सो जाना चुपचाप। मेरे को गर्मी हो रही है, देखो कितना पसीना आ गया है। रात में बहुत बात बोलना फिर एसी चलाने का। पूरे घर में सबसे ज्यादा गर्मी आदित्य के बाद में एसी को होती है। क्यों आपके चिपक रहा है? वीडियो बना रहा था जब दूर भग रहा था मेरे से बदमाश, अब क्यों मेरे से चिपक रहा है? बारिश इनके असली मजे तो दादा लेते हैं, दादा का बेड उसके सामने विंडो और विंडो के सामने खुली पूरी इस जगह पे, यहाँ पे बहुत मजा सा आता है, कितनी बड़ी विंडो है, पूरी ठंडी ठंडी से हवा आ रही इधर से, है ना दादा? कूलर भी फेल, एसी भी फेल, नहीं लगता है कि फुहारी आ रही, बारिश की फुहारी आ रही ना छन के। तो उसकी कितना दूरी पे है, अपन वहाँ से पानी इधर गिरता और खुली हवा इधर आती है। ये देखो भैया इतनी तेज हवा चल रही है कि एग्जॉस्ट भी स्पीड में घूम रहा, भी कम हुआ तो फुल स्पीड में ऐसा ही घूम रहा था तेज, तो पानी की एग्जॉस्ट की स्पीड देखा दी तू कितनी स्पीड से चल रहा है, और देख यहाँ ट्यूबलाइट में पानी आ रहा है और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया, इधर से पानी दे रहा है, वो ठंडी ठंडी फुहार आ रही है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा। अरे मस्ती हवा लग रही है दीदी, तो उल्टा घूम रहा होगा ना। सही में हवा लग रही है पूरी, तो अंदर चल रहा है हवा। स्पीड से देख, कितनी स्पीड से देख, बाल देख कितनी स्पीड से, आप सोच सकते हो देखो कितनी स्पीड से चल रहा है। और ये हमने पंख चालू मालू नहीं करके रखा है, देखो ये बटन बंद है, लाइट ही नहीं हमारे घर के अंदर, लाइट ही नहीं है, इतनी स्पीड से चल रहा था, स्पीड कम हो गई ताप बोलोगे भैया। चलो इसको लगा देते हैं, ए ठंडा पड़ा अब तू घूमेगा नहीं, तूने बंद कर दिया है। कोई पानी तो कैसा आ रहा है, गाड़ी पे तो कैसा दिख रहा है सामने, हिमालयन यार भारी खड़ी है, वो भी भारी खड़ी है, इसको ना अंदर रखूँगा दो मुझे तो पानी में गाड़ियाँ ज़्यादा खराब होती है, कभी भी याद रखना बारिश का पानी लगने से लगता है। मज़ा आया कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्या हो गया ताली बजा के बोल रहा वाह बारिश हुआ। ये देखो भैया हमारे सब्सक्राइबर्स लोग है ना गिफ्ट में हमको देते हैं ढोलक बजाने के लिए। ये ढोलक कैसे बजाते हैं? बजाना कम तोड़ने का काम ज्यादा। ऐसा किसने तोड़ा?
मैंने? अच्छा विदित ने? वेरी गुड, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बहुत बहुत अच्छा काम किए हो विदित आप। ढोलक बजाने का है, तोड़ने का नहीं है, इधर से भी तोड़ दिया है। अच्छा है ना विदित, कैसा बज रहा है ना? ये बेलन रोटी बेलने का है, ये चीजें तोड़ने का नहीं है, बंदे तोड़ने का नहीं है बेलन, गंदगी है सब। ची 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 ची, बहुत गंदा है रे बाबा। ठीक है, तो फिलहाल मैं टोपला इतना बड़ा लेके क्या पता क्यों बैठा हूँ, क्या पता क्यों नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे बना रहे अपन भुट्टे का केस, केस केस ये ना सूख गए हैं, तो इनको क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सूख गया यार इतनी तो अच्छे सेक के खाते अपन, सूख गए इसको छीलेंगे फिर इसको कीसेंगे, पहले छील के निकाल के इसमें रखते हैं फिर कीसेंगे इसके अंदर। दिख रहा हूँ ना, देखता हूँ जितनी दिख रहा हूँ, परफेक्ट ये यार एकदम बराबर जजमेंट है मेरा। दाने बना ले मेरे के लिए? नहीं, हम तेरे के लिए दाने नहीं बना रहे। दाने खाओगे आप? ले इसको एक नरम नरम निकाल के दूंगा तो उसको रख देना अच्छे से। हाँ ठीक है, तो फिलहाल सारा प्लान फेल सा हो गया है। जो भी भुट्टे हैं ना बहुत ही कड़क से, देखो ये बहुत कड़क है, देखो पूरे सूख से गए हैं एक तरीके से, ये पूरे सूख गए ना, इस कारण से केस नहीं बनेगा, कैंसल। अब इसके पानी कर लेंगे और फिर सुखा लेंगे, मक्की पिसा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चिड़िया वगैरह ने यहाँ पे घोंसला बनाया था देखो, और बारिश हुई तो यहाँ का बच्चा हिला होगा, सीधा आके नीचे गिर गया, देखो बेचारा मर गया, अब क्या कर सकते हैं इनका। जिसका जहाँ पे लिखा रहता है ना वहीं पे होता है। मैं ये डंडा लेके इसलिए बाहर आया क्योंकि जो कुतिया है ना यहाँ पे, जिसके बच्चे, तो दूसरा कोई कुत्ता आके उसको परेशान कर रहा होगा, भयंकर जोर जोर से लड़े झगड़े हो रहे थे इनके तो मैं डंडा लेके आया, मतलब उसको सेव करके उसके घर पहुँचाया था, बाकी कुत्ते को भगाया था। देखा तो कुत्ता ही भग गया, वो इधर आके देखा तो ये बेचारा वो नीचे गिरा हुआ है, पाइप के अंदर घोंसला बनाया चिड़िया ने, बच्चा हिलते 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 बाहर आया, नीचे गिर गया। अब जिसके जहाँ लिखी रहती ना वो हो जाता है। चलो भैया खाना खाते हैं, दाल चावल, टॉप जो बाजी के ब्लॉग दिख रहे हैं। स्प्लेंडर को लेकर लद्दाख में सबसे हाईएस्ट जगह पे चले जाते, दूसरी बाइक में लेके जाते, मैं भी हिमालयन लेके जाऊँगा लद्दाख, जाने तो दिया नहीं आज तक अब जाऊँगा मैं किसी दिन। वो साथी भी नहीं मिल रहा ना मेरे को इतनी दूर जाने का, किसी को भी बोले इतनी दूर जाना है तो सब जेन बना कर देते हैं। जीवन साथी मिल गया तुमको तो घूमने के लिए साथी ढूंढ रहे हो? अरे तो बाइक वाला चाहिए ना अलग, तो जीवन साथी क्या कर लेगा, गाड़ी में भी चलूंगी साथ में चला। हे स्कूटी नहीं चलाने सिखा रहे हम तेरे को, इसको बाइक सिखा के लद्दाख लेके जाएंगे, वहाँ गाड़ियाँ चलती भी नहीं है, बंद हो रही थी गाड़ियाँ, बंद हो गई सब, इसीलिए तो नहीं सिखा रहे। सबसे हाईएस्ट है वहाँ, सांस फूल जाती खड़े खड़े, तो यहाँ चक्कर आ रहे हैं, वहाँ पे इनको अच्छे खासे जो पहलवान रहते हैं उनको चक्कर आके गिर जाते, वो सांस नहीं आती उनको, देखो गर्मी में यहाँ सांस नहीं आती है ना, नॉर्मल में यहाँ पे सांस नहीं आती, और वहाँ पे तो बैठ खड़े खड़े चक्कर आके लोगों ने गिर जाते हैं, इतनी वहाँ पे मतलब सांस सबसे हाईएस्ट जगह पे है। चलो भैया चावल खाते, भूख लग रही है अरे खाना खाओ पेट दुख रहा है। चलो भैया चले सैंडविच खाने, आज तो बारिश के मौसम में। क्या हो गया मेरी की जान? सैंडविच भैया को भूत खिला देंगे? नहीं। क्यों नहीं? अब गाड़ी में बैठ के बोल रहे हो नहीं, ऐसा होता है क्या? अब तो सैंडविच भैया पास जाना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ होता है क्या कि गाड़ी में बैठने के बाद में नहीं बोल रहे हो, पागल लड़के। ठीक है, तो प्लस सैंडविच खाने आए हैं, देखो सैंडविच की दुकान ही बंद है। सबसे ज्यादा खुशी इधर, खुशी इधर दिखा, इधर हुई, ओ छिनी चुनिया नहीं है, हाँ खुश हो रहा है। चलो भैया अभी इनको आए तो हैं कुछ तो खिला पिला के लेके जाएंगे, इसलिए वहाँ पे चलते राधर लो, वहाँ पे भी बाई चांस कुछ खुला हो, क्योंकि लाइट भी गई यार राधे सब दिन, इसलिए भी सब बंद है, इसलिए भी सब बंद है। चलो भैया सैंडविच खाने आए थे, खा रहे पानी पूरी, सैंडविच वाले भैया तो चले गए पानी पूरी वाले भैया बारिश में सब बंद है भैया खड़े। अच्छे ठीक है, तो फिलहाल एक बार आप टाइम देखो, 10 बज रही है और अपना अद्वी के ना 8 बजे सो गया था, और ये बदा बदमाश बच्चा अभी तक नहीं सोया है। हट जा हट जा हट जा हट जा भा हट, अरे पागल समझा क्या चाहिए भाई, चल सैंडविच चलो भैया पास चले चले,
क्या रुकना है क्या बाहर थोड़ी सोन में नहीं आती आपको स्टूपिड हट क्या बोल दिया ऐसा तो ऐसा घूर घूर के देख रहा है हैं विदित विदित इधर देख एक बार मार भी खा लेगा उसने अभी कभी हो और चुप भी हो गया विदित इधर देखो पकड़ता हुई थी मेरी की जान तू एक बार पा मेरा बेटा है नितानी का बात एलेक्सा भूत की आवाज निकालो नहीं 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 एलेक्सा स्टॉप स्टॉप मेरा बच्चा ऐसा करेगा ना जानो जानो पापा की बात तो सुन बेटा देख 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 इधर कुछ कर रहे थे को स्टाइल स्टाइल से रहने का इसको छोड़ो गधा प्रसाद नहीं करेगा मैं पापा कुछ बता रहे ना आपको प्लीज विदित मेरी की जान विदित प्यारा विदित सोना विदित चलो भाई रोना धोना चालू हो गया अपन इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक बाबा के सीएमसी होगी मिट्टी बबला भी क्या क्या हो रहा है इसके तो बम पे लगा देंगे बम पे क्या बम पे लगाया यार भाई इसके तो बम पे लगा देंगे बम पे सुई इसको हमें तेरे बम पे नहीं लगो क्या सुई नहीं नहीं चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक बाबा के सीएमसी होगी मिट्टी बबला लव यू बाय बाय।